Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we learn about practice set 1.1, question number 2-6. 1 upon 3x plus y is equal to 10 upon 3 and 2x plus 1 upon 4y is equal to 11 upon 4. First of all, we give the equation number 1 upon 3x plus y is equal to 10 upon 3. This is equation number 1. And 2x plus 1 upon 4y is equal to 11 upon 4. This is equation number 2. यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में 1/3, 10/3, अपनी इक्वेशन मेन इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो उसमें अपॉन नहीं था, फ्रैक्शन में नहीं था, लेकिन ये नंबर फ्रैक्शन में है, ये इक्वेशन फ्रैक्शन में है, इसलिए सबसे पहले हमको उसकी फ्रैक्शन को हटाना है। तो जो नंबर डिनोमिनेटर में रहता है उसी नंबर से हम उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन में 3 डिवाइड में है, अपॉन में है डिनोमिनेटर में, इसलिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन सेकंड में डिनोमिनेटर में 4 नंबर है, तो इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई। तो अब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x इंटू 3, 3 कट हो जाएंगे, सिर्फ x रहेगा, प्लस y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 गेट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 10 रहेगा, ये नई इक्वेशन मिलेंगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। वैसे ही उसी तरह इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8x प्लस 1/4y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गेट कैंसिल, सिर्फ y रहेगा, इज इक्वल टू 11/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 11 रहेगा। इस तरह ये इक्वेशन नंबर 4 मिलेंगे। अब 3 और 4 में देखो, यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे सिर्फ y, तो हम इस इक्वेशन 4 को 3y कर सकते हैं, या इक्वेशन 3 को 8x कर सकते हैं, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करके, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो जो इजी लगेगा वो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 3y हो जाए और ये 3y हो जाए, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 × 3 = 24x प्लस y इंटू 3 3y इज इक्वल टू 11 × 3 = 33। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हमने क्या किया, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 8 × 3 = 24, ये 3y, और 11 × 3 = 33, इस तरह इक्वेशन नहीं बनी, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 5 पर गौर करो, ये x 24x 3y 3y, तो 3y 3y सेम है और प्लस में है दोनों, तो इन दोनों की क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। जब वेरिएबल और कोफिशिएंट सेम रहे और साइन भी सेम रहती है तब हम उन दो इक्वेशंस की सब्सट्रैक्टिंग करते हैं, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 5 क्या है, इक्वेशन 24x
प्लस 3y इज इक्वल टू 33। और इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सब्सट्रैक्टिंग में हमेशा याद रखिए कि जो बड़ी इक्वेशन रहेंगे, बड़ा नंबर जो रहेगा, जो इक्वेशन बड़ी रहेगी उसको ऊपर लेना है, जो छोटी इक्वेशन रहेंगे उसको नीचे। इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 को 5 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करते हो, जो नीचे जो इक्वेशन रहती है उसकी साइन चेंज होती है, x प्लस में है माइनस में होगा, प्लस में 3y है माइनस में हो जाएंगे, 10 जो है माइनस में हो जाएगा। तो 24 में से x गए 23x प्लस के, ये दोनों कट, प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 33 में से 10 गए 23, x इज इक्वल टू 23/23 इज इक्वल टू 1, है ना। Therefore, x is equal to 1. x की वैल्यू 1 आई, अब पुटिंग करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 3, 4, 5 में रखो, इक्वेशन 3 में रखते ये इजी इक्वेशन लग रही है। तो पुटिंग x is equal to 1 in equation 3. इक्वेशन 3 क्या है, x plus 3y is equal to 10. x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, एक्स की जगह पे हमको 1 रखना है, प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3, 3 इज आ 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3. Now y is equal to 3, x is equal to 1. The solution of the equation is, solution of the equation is x comma y is equal to, x ki value kitni hai 1 aur y ki 3, 1 comma 3.